सॉरी सिमीन, आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। ये मायर कहाँ है? मीटिंग थी मेरी, उसके पास एक फाइल है। नूर की तरफ गया है, बस आने ही वाला होगा। नहीं, नूर तो उससे ऑफिस मिलने आए हुए थे। अच्छा, चले आप परेशान ना हो, मैं अभी कांटेक्ट करती हूँ उससे, देखती हूँ कहाँ है। ठीक। मम्मी आराम से क्या कर रही हैं आप? अरे क्या कर रही हूँ, देख नहीं रही कैसे गूंज पड़े हैं बालों में? क्या शौक चढ़ा होता है आजकल की लड़कियां, तो बाल खुले ही रखती हैं बस। छोड़ो, अपनी ये जो जोर आजमाई है ना, या नाया आप ही के बालों में किया करें, मुझे अपने ऐसे ही बाल पसंद है। हाँ, पहले तुम पे तो कर लू। अस्सलाम वालेकुम माँ। वालेकुम अस्सलाम अनाया। वो अरे इसको क्या हुआ, रुकी क्यों नहीं? पता नहीं, शायद थक गई होंगी। अम्मी आप ये जल्दी जल्दी खत्म करो। हाँ कर रही हूँ। ऐसे करो, बारीक कंघी लेके आओ। जी। जी बड़े लोग हैं, बड़े हैं तो अपने आप को समझते क्या है, कुछ भी कह दो, जरा सी हंस के बात क्या कर लो, फ्री हो जाते हैं, दिमाग खराब कर देते हैं, कोई बात नहीं है। क्या हुआ है आपको, किससे बातें कर रही हैं आप कमरे में अकेले अकेले? हटो, किसी से नहीं कह रही। और तुम अभी जाओ यहाँ से, मेरा मूड ना खराब करना, पहले दिमाग बहुत खराब हुआ है। नहीं, कुछ तो बात जरूर है, वरना ऐसे अचानक आपका मूड इतना खराब नहीं होता। बताए ना क्या हुआ है, किसी ने छेड़ा आपको, या फिर किसी ने सीटी मारी, या कोई मोहब्बत भरा जुमला? सोनी तुम्हारा मसला क्या है, हर टाइम तुम्हें ये फजूल मजाक सोचता रहता है। अरे बच्ची नहीं हो तुम, अब बड़ी हो चुकी हो, तो सोच समझ के बोला करो और जाओ यहां से, अभी चली जाओ। अरे भाई हुआ क्या है, लेकिन बताएं तो। बाबा को पता चल गया तो उनसे नजरें कैसे मिलाऊंगी?